हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले। आज मैं आपको देने वाला हूं हिंदी में 70 में 70 लाने का बेजोड़ तरीका। मॉडल पेपर 2020 के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में 70 में 70 कैसे पाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस मॉडल पेपर को सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों आप देखिए, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, 70 मार्क्स का पूरा पेपर है, हिंदी 2020 का मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर हमने बहुत ही छाट के निकाला है। इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि इनको आप अगर रेडी कर लेते हो, अपने से खुद से रेडी करते हो, तो आपके हिंदी में 70 में 70 आने की बहुत चांसेस है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखे। दोस्तों मैं एक एक करके सभी लेखक और कवियों के जीवन परिचय दे रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दिया है, तो इन सभी जीवन परिचय रिलेटेड प्रश्न से आपके ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न भी आपका जीवन परिचय से ही रिलेटेड प्रश्न है, ये दो दो नंबर के प्रश्न, आप इससे भी मार्क्स उठा सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपका गद्यांश है, इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, 3 प्रश्न है, दो दो नंबर के, आप इनको कर सकते हो। चौथा प्रश्न पद्यांश है आपका, देखिए पद्यांश पूछा गया है, ये एक एक 6 नंबर का प्रश्न, मतलब कि इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर उसके बाद 5वां प्रश्न आपका लेखक का जीवन परिचय लिखना है, कौन से लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। मैं इन सभी लेखकों के आपके जीवन परिचय दूंगा। अभी देखिए कवियों में तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, अभी मैंने जस्ट महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दिया है, और ये देखिए आपके पेपर में भी महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आ गया है, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत में दिया है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। दोस्तों 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है वो श्लोक लिखना है, आपको क्वेश्चन वाला ही श्लोक नहीं लिखना है। ठीक है, इस पर 2 नंबर आपको मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 8वां प्रश्न आपका हास्य अथवा करुण रस का परिभाषा, ये सभी मैंने आपको बताया है कौन कौन से रस और कौन कौन से परिभाषा आपको पूछी जाती है, और मैं इन व्याकरण पे एक अच्छे से वीडियो बना के उसमें सामास, पर्यायवाची, विलोम, सब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करके एक नोट दे दूंगा, आप तैयार कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों से किन्हीं 3 के मेल एक एक शब्द बनाइए। फिर प्रत्यय शब्द है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद करिए, संधि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। ग प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार, और ये संस्कृत के प्रश्न सारे धातु वचन पूछे गए हैं। अभी 11वां प्रश्न दोस्तों देखिए, 6 नंबर का है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको निबंध का टॉपिक दिया हुआ है, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कैसे लिखते हैं और वीडियो निबंध को प्रभावशाली कैसे बनाते हैं वो भी दिया गया है। पहला टॉपिक देखिए प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरा जीना दुभर करती महंगाई, ये भी मैंने आपको बताया है, तीसरा भ्रष्टाचार की समस्या, चौथा वन संरक्षण कितना आवश्यक है, पांचवा नारी शिक्षा, ये 5 टॉपिक मैंने उसमें दिए हैं दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं, और ये मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, तो दोस्तों बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। 12वां प्रश्न है, स्वपठित काव्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आपको इसमें से उत्तर देने हैं एक एक करके। तो दोस्तों यही हमारा मॉडल पेपर समाप्त होता है। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं और हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपका 70 में 70 निश्चित आएगा। कक्षा 10 की बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो जल्दी जल्दी कक्षा 10 के छात्र हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ये मॉडल पेपर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप इसे हल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होइए, वहाँ हम PDF सेंड करते रहते हैं। चलिए आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।